हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ सो इन प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कौन सी ऐसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप लोग आर्ट्स और डिज़ाइनिंग की डिग्री कर सकते हैं क्योंकि इतनी मल्टीपल फील्ड्स होती हैं हर कोई मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोचता हर किसी को अपनी फील्ड की अच्छी चीज़ पता होनी चाहिए तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आर्ट्स और डिज़ाइनिंग का बताया था अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन कर दूंगी वो लाजमी देखें ज़रूर देखें कि आप लोगों का ही फायदा है तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिजनेस और कॉमर्स की डिग्री की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बताऊंगी जहां पे आप लोग एडमिशन लेंगे डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा स्कोप मिलेगा डिग्री की एफिलिएशन भी होगी और कोई डाउट नहीं होगा कि ये डिग्री एचीसी से रिकग्नाइज है या नहीं है वो डेफिनेटली होंगी ही होंगी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिजनेस और कॉमर्स के मुतल जितनी भी डिग्रीज आप लोगों ने करनी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं अदरवाइज आप लोगों की चॉइस है जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वही आप लोग करें मगर आप लोगों की चॉइस है तो नंबर वन पे आता है पंजाब यूनिवर्सिटी का हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स अगर आप लोग कॉमर्स की तालीम हासिल करना चाहते हैं बी काम करना चाहते हैं एम काम करना चाहते हैं कॉमर्स से मुतक कोई भी डिग्री करना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी का हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है वो सबसे अच्छा है सबसे बेहतरीन है लाहौर में ये वाकया है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुनासिब फीस में जो है वहाँ से डिग्री हासिल करते हैं और पढ़ते भी हैं बेशक वहाँ पर स्ट्रिकनेस ज़्यादा है मगर पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री की एक वर्थ होती है हमें पता होता है अगर हम लोग अपनी मेहनत और टाइम भी लगा रहे हैं पैसे चाहे है, कम लगा रहे हैं मगर टाइम और मेहनत लगा रहे हैं तो हमारे पास डिग्री ऑथेंटिक आएगी एफिलिएशन के साथ आएगी और एक साथ एक अच्छे इदारे का नाम भी होगा और एच से अप्रूव्ड भी होगी तो ये बातें आप लोगों के जहन में होंगी और इसके अलावा बहुत अफोर्डेबल फीस होती है वहाँ की नंबर टू पे आता है सक्कर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमें लगता है सिर्फ लाहौर कराची इस्लामाबाद या पिशावर में ही अच्छे अदारे हैं जबकि ऐसा नहीं है सखर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा रैंक रखने वाली यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और तमाम तर स्टूडेंट्स जो बिज़नेस में डिग्री uh, करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहाँ से दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं पढ़ने और एडमिशन लेते हैं वहाँ पे क्योंकि सुदारे का एक नाम है स्पेशली बिज़नेस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये डिज़ाइन की गई है तो अगर आप लोगों का करीबी वो एरिया पड़ता है तो आप लोगों को ज़रूर वहाँ एडमिशन लेना चाहिए और अच्छी डिग्री आप लोगों को वहाँ से भी मिलेगी एफिलिएटेड और एच से अप्रूव्ड नंबर थ्री पे आता है कराची का इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम लोग आई कहते हैं बहुत ही फैंसी नाम भी है और बहुत ही फैंसी यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं आई का एक वैसे ही एक बहुत नाम है जिस तरह लाहौर का लम्ज़ है इस तरह कराची का आई है तो दोनों ही मुकाबले में है थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है मगर उसका नाम है और वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है तो वो भी बिज़नेस और एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज़ के लिए ही स्पेशली बना हुआ है वहाँ की दोनों ही ये डिग्रीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से मुतलिक और भी डिग्रीज़ अगर आप लोग करना चाहें तो वहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं बिज़नेस के मुतल डिग्री जो है वो बहुत अच्छी वो करवाते हैं फैकल्टी भी बहुत अच्छी होती है उनकी और उनकी जो कैंपस लाइफ होती है वो भी बड़ी मज़े की होती है और कराची वाले तो आई से वाकिफ़ होंगे इवन तो सारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भी आई से वाकिफ़ होंगे बेशक प्राइवेट अदारा है मगर वर्थ इट है अगर आप लोगों ने प्राइवेट में किसी में एडमिशन लेना है तो वन आट टू चूज़ आई बी ए जो कि एक अच्छी है और इसका नाम भी है वैसे भी तो हम लोग इधर उधर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं अगर आप लोग अच्छी और फैंसी कैंपस लाइफ भी चाहते हैं और डिग्री भी आप लोगों को चाहिए कि ऑथेंटिक हो तो आई बी एज़ योर चॉइस नंबर फ़ोर पर आता है लम्स जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की है तो लम्स जो है वो नंबर फोर पे आता है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसिस के नाम से ये यूनिवर्सिटी जो है वो लाहौर डीएचए फेस फोर में वाक्य है और लम्स जो है वो ऑब्वियसली टॉप रैंकड पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जो कि काफ़ी अरसे से नंबर वन पे रही है फिर नंबर टू पे रही है और वो अपनी पोजीशन जो है वो पहली तीन पोजीशंस पे एडजस्ट करती ही रही है काफ़ी अरसे से करती रही है मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऊपर नीचे होती रही है मगर लम्स भी नंबर पहले तीन नंबर्स में से एक पे रैंक करती रही है वहाँ का जो बिज़नेस और एडमिनिस्ट्रेशन का अदारा है वो भी बहुत ही क्लासिक है बहुत ही अच्छा है प्रोफेशनल फैकल्टी वहाँ आती है ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पैसे आप लोगों से ज़्यादा लेते हैं मगर यकीन माने वर्थ हिट होती है अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वहाँ से ज़रूर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री करें बी बी ए करें या जो भी आप लोग करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल बिज़नेस से मुतिक जैसी भी जून जौनसी भी डिग्री है अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर इस डिग्री को ज़रूर ज़रूर इस यूनिवर्सिटी को जो है वो चूज़ करें नंबर फाइव पे आता है नस्ट नस्ट जो है वो इस्लामाबाद में वाक़ है नस्ट की जो फुल एब्रिवेशन फॉर्म है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब मैं आप लोगों को जिन यूनिवर्सिटी का कह रही थी ना कि वो ऊपर नीचे रैंक नंबर वन नंबर टू पर करती रहती हैं उनमें से एक नष्ट भी है लम्ब और नस्ट दोनों तो का बहुत मुकाबला चलता रहा है नस्ट जो है ओबियसली पब्लिक यूनिवर्सिटी में कंसिडर होती है और ये इस्लामाबाद में वाकया है और नस्ट भी नंबर वन रैंक पे काफ़ी अस्से रही है नस्ट और लम्स ऊपर नीचे होते रहते हैं तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं ना स्लम्स और पीयू यू पंजाब यूनीसिटी अगर गवर्नमेंट में देखा जाए तो वो ये तीनों आगे पीछे होती रहती हैं और इनका सबसे बहुत अच्छा रैंक भी है और नस्ट का भी बिज़नेस और एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है अगर आप लोग वहाँ करीब से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर वहाँ से करें अगर आप लोग लाहौर या कराची से भी तल्लु रखते हैं तो आप लोगों को अगर कहीं उन मतलब आई या लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा तो आप लोग नस्ट में ज़रूर अप्लाई करें वैसे तो वहाँ पर भी एडमिशन मुश्किल से मिलता है मगर आप लोग ज़रूर कोशिश करें और ट्राई ज़रूर करें क्योंकि अगर आप लोग बिज़नेस और एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री करना चाहते हैं तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं चांस एक दे सकते हैं कि होल्ड पे रख सकते हैं कि बिल्कुल मेरा अगर यहाँ पे हो तो मैं भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से एक में पढ़ूँगा या पढ़ूँगी नंबर सिक्स पे आती है वैसे तो मैंने पांच ही यूनिवर्सिटीज़ बतानी थी मगर फिर भी क्योंकि अब बहुत सारी लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो कि बिजनेस की स्टडी करवाती है कॉमर्स की स्टडी करवाती हैं बेसिकली कॉमर्स और बिजनेस जो है कॉमर्स तो खैर बहुत पुराना एक कहते हैं एक फील्ड है जो चलती आ रही है बिजनेस में एक लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो बिज़नेस के हवाले से भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और भी बन रही हैं तो छठा जो है वो एक बोनस बोनस यूनिवर्सिटी कह लोगों के जो कि आप साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है एन -e. अच्छा ये यूनिवर्सिटी का पहले बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक डाउट चल रहा था कि ये पता नहीं एफिलिएटेड है या नहीं है डिग्री इनकी वर्थड है या नहीं है काफ़ी एफिलिएशन का और डिग्री की अप्रूवल का और ये से रिकग्नाइज है या नहीं है ये चीज़ों का बहुत इशू चल रहा था मगर एन सी बी ए ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को प्रूफ भी करवाया है एफिलिएशन भी अप्रूव्ड करवाई है तमाम सारे चीज़ें क्लियर भी कराई है और ये बिज़नेस और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो है एन सी बी ए नेशनल कॉलेज ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स के नाम से है तो इन्होंने बहुत अच्छी बिज़नेस से मुतल फैकल्टी भी हायर की है जो कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देते हैं बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतलिक और एक अच्छा रैंक भी रखती है ये वहाँ से भी अगर आप लोग करना चाहें बिज़नेस की डिग्री तो ज़रूर कर सकते हैं तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम मैंने आप लोगों को शेयर किया जहाँ से आप लोग कॉमर्स और बिजनेस की तलीम हासिल कर सकते हैं लास्टली आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि बिज़नेस हम लोग हर कोई करना करने का सोचता है कि हम लोग बिज़नेस कर लेते हैं हम लोग कारोबार कर लेते हैं पाकिस्तान में तो आधे से ज्यादा यूथ जो है वो यही सोचती है कि अगर उसने कोई भी डिग्री की है तो एंड उसका कारोबार करने में ही होना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट हमें इसी चीज़ में मिलता है तो अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए उस चीज़ में तो स्ट्रॉग ग्रिप के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग उसकी तालीम हासिल करें स्टडी करें डिग्री हासिल करें ऐसे ही हवा में बातें नहीं होती तो जरूर आप लोग अगर बिजनेस की स्टडी करके अपना कारोबार शुरू करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा अपने आप को इस तरीके से वेस्ट ना कि आप डिग्री कोई और कर रहे हैं काम आपने कारोबार को शुरू कर दिया तो ये एक नाजायज बात हो जाएगी तो आप जायज बात करें अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हैं तो बिजनेस की डिग्री जरूर करें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा मैं दोबारा आऊंगी मुझे तय इजाजत अला